देश भर में पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन गर्मी के तेवर और सख्त दिखाई दिए। कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो सफदरजंग वेधशाला ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। इससे पहले 18 अप्रैल 2010 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो महीने के लिए उच्च तापमान रहा। देश के कई बड़े राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और झांसी में तापमान क्रमशः 46.8 और 46.2 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं राजस्थान के गंगानगर, मध्य प्रदेश के नौगोंग और महाराष्ट्र के चंद्रापुर में पारा क्रमशः 46.4, 46.2 और 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम में इस महीने का उच्चतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया। इस साल मार्च महीने से ही उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने लगी थी। राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पिछले दो महीने के दौरान 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मार्च महीने से ही अब तक देश में 4 हीट वेव के स्पेल देखे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।